हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 10 डीटीएफटी की, पार्सेवल थ्योरम। देखते ही समझ आ गया होगा ये किस लिए यूज होती है, एनर्जी फाइंड करने के लिए सिग्नल्स की। तो अब तक हमने कई बार पढ़ा था इसको, सीटीएफटी में देखा था, फोरियर सीरीज में देखा था, यहाँ पर पढ़ेंगे इसको। ये यहाँ पर भी है, ये कहती क्या है, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स एन, उसका डीटीएफटी x ऑफ e की पावर j ओमेगा है, देन ये क्या कहती है, इसकी एनर्जी जो होगी, एनर्जी n माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मोड ऑफ, क्या करना, मोड लेना यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, x ऑफ n के मोड का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर ए पीरियड ऑफ 2 पाई के इंटरवल के ऊपर वो लेंगे इंटीग्रेशन, कोई ये नहीं लिखेगा माइनस पाई टू पाई, बुक में लिखा रहता है, कहीं पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर आएगा दिक्कत हो जाएगी, कहीं पर 0 से 2 पाई लिखा रहता है दिक्कत हो जाएगी। केवल क्या रखना, जो भी सिग्नल होगा उसका एक इंटरवल लेंगे, ये तो 2 पाई पर चलता है xop, और जो हमारा DTFT है तो एक 2 पाई का इंटरवल लेंगे और उसी पर वो इंटीग्रेशन फाइंड कर देंगे। आगे फिर क्या, मोड ऑफ x ऑफ e की पावर j ओमेगा का स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है, जो भी सिग्नल होगा उसका अभी क्या लेना, मोड लेना, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करके इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। और ये सिग्नल xn ना होकर nxn हो जाए तो उसका DTFT क्या होगा, सॉरी उसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्या होगा, n इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी n x n का जो हमारा x, सॉरी यहाँ पे n x ऑफ n इसका DTFT पूछ सकता है, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई, 2 पाई के इंटरवल पे ही निकालेंगे इसको भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो मैं बताऊँ, यहाँ पे x n का x ऑफ e की पावर j ओमेगा होता था और n xn का जो होता था, n xn का DTFT कितना हो जाता, j बाहर d अपॉन d ओमेगा x ऑफ e की पावर j ओमेगा, ये होता था। इसी चीज को बस मोड के अंदर उठा कर रख दो, जैसे वहां पे उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो उठा कर रख दिया मोड के अंदर, वही काम यहाँ पे करना, तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को उठा के बस यहाँ पे रख दो, j d अपॉन d ओमेगा x ऑफ e की पावर j ओमेगा, इसका मोड लेंगे देन d ओमेगा, ठीक है। अब देखो इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर कहोगे sin ओमेगा c अपॉन पाई n, तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा, मैं इसको इतनी बार कराऊंगा कि इसका फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर टाइम डोमेन से इसको निकालने जाओगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, sin स्क्वायर ओमेगा c n अपॉन पाई n का भी होल स्क्वायर बन जाएगा, उसको कैलकुलेट करना पहले उस लेफ्ट हैंड साइड से बहुत मुश्किल पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर लेते हैं, देखो उससे आसान बन जाएगा। तो हमें पता है अब देखो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं क्या होता है, इतना बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं क्या होता है, साइन ओमेगा सी एन अपॉन पाई एन का डीटीएफटी जो होता है वो होता है, ये एन के साथ किसकी मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ओमेगा सी की, तो माइनस ओमेगा सी से लेके ये प्लस ओमेगा सी के बीच में होगा, इम्पल्स होगी एक, और जिसका मैग्नीट्यूड है वो क्या रहने वाला, वन रहने वाला, क्योंकि साइन से पहले कोई भी नंबर नहीं है तो क्या लेंगे इसका मैग्नीट्यूड, वन, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वन लेंगे, और ये क्या यहाँ पे क्या आएगा, ये लिमिट माइनस पाई से पाई, यही होता था अब तक जो हमने पढ़ा, ठीक है। देखो यहाँ से कौन सा आसान रहेगा निकालना, ये सोचो अपने दिमाग में, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला उसका इंटीग्रेशन निकालना, इसका निकालना मुझे समीशन, तो समीशन तो निकाल कोई निकाल नहीं पाएगा इतने आसान से, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसकी बात अच्छे से हो सकती है। फॉर्मूला क्या था एक बार फिर देखते हैं, समीशन एक्स ऑफ एन के मोड का स्क्वायर एन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी
किसके इक्वल था ये, 1/2 पाई ओवर इंटरवल ऑफ 2 पाई मोड ऑफ एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा का स्क्वायर टी ओमेगा, ये था फॉर्मूला। तो हमारे पास अगर तुम ध्यान से देखो एक 2 पाई का इंटरवल भी हमारे मिल चुका है हमें, तो जब भी साइन आता है ना तो पहले वाला फॉर्मूला जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है टाइम डोमेन वाला, वो तो यूज होगा ही नहीं कभी, उससे तुम निकाल भी नहीं पाओगे कभी। तो फ्रीक्वेंसी जो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन ले लेंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन एग्जिट करेगा, लोअर लिमिट माइनस ओमेगा सी और अपर लिमिट ओमेगा सी, उसके दौरान उसकी वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अगर यही चीज लिखनी है पूरा ओपन करके तो कैसे लिखोगे, 1/2 पाई, हमें तो पूरे 2 पाई पे बात करनी है, तो माइनस पाई से माइनस ओमेगा सी के बीच में कितनी वैल्यू है इसकी, माइनस पाई से माइनस ओमेगा सी के बीच में वैल्यू इसकी 0 है, 0 के मोड का स्क्वायर डी ओमेगा प्लस, नेक्स्ट क्या है माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर डी ओमेगा, ओमेगा सी से पाई के बीच में वैल्यू कितनी है 0, यानी 0 के मोड का स्क्वायर, तो पहला और तीसरा तो गया। ठीक है, तो यहां से एनर्जी हमसे निकालनी थी, कितनी आ जाएगी यहां से इसकी एनर्जी 1/2 पाई, ये जीरो ये हो जाएगा 1, 1 का कितना होता है ओमेगा, इसकी लिमिट लगा देंगे माइनस ओमेगा सी ओमेगा सी, लिमिट लगा ओमेगा सी माइनस माइनस ओमेगा सी, 2 ओमेगा सी हो गया, ये 2 ओमेगा सी/2 पाई, तो एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी ऑफ साइन ओमेगा सी एन अपॉन पाई एन वो कितने आ गई, 202 कट गया ओमेगा सी अपॉन पाई, ये क्या आंसर है। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला ये काम आएगा, साइन ओमेगा सी अपॉन पाई एन की एनर्जी कितनी होती है ओमेगा सी अपॉन पाई, याद रखनी है ये। ठीक है, देखो काफी आसान है इसको लगाना, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, अब प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और हैं जिन्हें स्पेशल प्रॉपर्टीज कहते हैं, उन्हीं पे भी हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही होगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम के साथ। ये देख लो कोई यहाँ पे कोई स्टेप छूट तो नहीं गया, एक बार देख लो सारा, ओके थैंक यू।